नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गुप्ता, आप सभी का स्वागत है श्री अड्डा धाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हम हैं सूर्यकुंड पर और सूर्यकुंड की ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम के राज्यभिषेक के समय सूर्य भगवान अयोध्या आए थे इस स्थान पर, इस कारण यहाँ पे सूर्यकुंड के नाम से इस स्थान को माना जाता है। और राज्यभिषेक के बाद से ही इस कुंड का जीर्णोद्धार आखिरी समय में हुआ था, राजा दर्शन सिंह ने कराया था इस सूर्यकुंड का जीर्णोद्धार, उसके बाद से ही इस स्थान को दर्शन नगर कहा जाने लगा, जो कि 10-5 किलोमीटर की दूरी पर है और दर्शन नगर में ही सूर्यकुंड स्थित है। और इस कुंड का जो जीर्णोद्धार है बहुत ही भव्य तरीके से किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य बनाया जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने बाकी है और कैसा ये कुंड तैयार हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये गेट है सूर्यकुंड का, ये भव्य गेट है, तो यहाँ से हम आपको ले चलेंगे, अंदर दिखाएंगे और बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य इस कुंड का जीर्णोद्धार हो रहा है। आइए हम आपको अंदर से दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से दिखा दें, यहाँ से आप निकल जाएंगे सीधा अकबरपुर और यहाँ से बड़ी दुकाली होते हुए अयोध्या निकल जाएंगे और दर्शन नगर और बाईपास होते हुए आप निकल जाएंगे अयोध्या हनुमानगढ़ी की तरफ और गुप्तार घाट भी इस साइड पड़ेगा और इधर अकबरपुर निकल जाएंगे और इधर से ही बनारस का भी रूट गया है। और जस्ट यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं ये सूर्यकुंड का जो भव्य गेट है, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं सूर्य भगवान अपने रथ पे सवार होकर यहाँ पे जो गेट का जो भव्य द्वार है वो सजाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं हेरिटेज स्टाइल में पूरा लैंप लाइट की पूरी व्यवस्था की गई, अंदर जो है वो लेजर शो रात के समय होते हैं। और अभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि भव्य गेट के बाहर एलईडी लाइट और लैंप के माध्यम से बहुत ही भव्य बहुत ही सुंदर सजाया गया है, सवारा जा रहा है इस कुंड को। ये देख सकते हैं ये भव्य गेट है, यहाँ से हम एंट्री लेंगे और ये गेट का जो एंट्री गेट है मुख्य एंट्री गेट है, ये एंट्री लेते ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर हरा भरा और सजावट का बहुत ही ख्याल रखा गया है, पेड़ पौधों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा गया है और यहाँ पे सुरक्षा के लिए कई सारे गार्ड भी लगाए गए हैं जो कि ऐसा कोई छो नहीं ना पाए कि कोई ख़राब करे आके। अभी भी सूर्यकुंड का जो है जो जीर्णोद्धार का कार्य निर्माणाधीन है और वहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे काम हो रहे हैं, सुलभ शौचालय और फूड प्लाजा ये सब की तैयारियाँ हो रही है। और उधर साइड में अगर आपको दिखाएं तो वो कुंड है, आइए हम आपको कुंड के पहले दर्शन कराते हैं, उसके बाद आपको इस कुंड के जो चारों तरफ का क्षेत्र है वो भी हम आपको दिखाते हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, अगर आप चैनल पर नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे आपको दिखा दें ये साउंड है और इस साउंड के माध्यम से जो है चारों तरफ जो है साउंड सिस्टम से गाने जो प्रभु श्री राम के हैं, सूर्य भगवान के हैं, उन सब को यहाँ पे बजाया जाता है शाम के समय। और अभी भी निर्माणाधीन है, अगर संपूर्ण हो जाएगा पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे जो दिन भर है वो गाने यहाँ बजेंगे। ये देख सकते हैं ये लाइट है, अगर आपको दिखाएं तो ये लाइट है, नीचे से ये जलेगी लाइट और ये लैंप है जिसमें अयोध्या विकास प्राधिकरण का लोगो है पर लगाया गया है और बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा सुंदर तरीके से लगाया गया है। तो आइए हम सूर्यकुंड ये देख सकते हैं, ये कुंड है और यहीं पे ही लेजर शो होते हैं शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे से 10 बजे तक के बीच लेजर शो होते हैं। और इस समय शाम के समय लेजर शो होते हैं जब श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ हो जाती है शाम के समय काफ़ी, वहाँ पे देख सकते हैं लेजर शो का पूरा सिस्टम बिछाया गया है पानी के अंदर। और अब इस कुंड का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, पानी बहुत साफ़ है, अगर आप देख पाएँ तो बहुत ही भव्य बहुत ही सुंदर मौसम बना हुआ है काफ़ी अच्छा। आइए उधर ले चलते हैं अब आपको, ये देख सकते हैं सामने उधर की साइड 1600 चाले हैं, इधर साइड दुकानें बनी हुई हैं।
आइए नीचे से आपको दिखाते हैं। और लाल बलुआ पत्थर से ये देख सकते हैं इन सभी सीढ़ियों को बनाया गया है। ये देखिए सामने उधर जो है लेजर शो का जो सिस्टम है वो बनाया गया है, उधर भी देख सकते हैं। और शाम के टाइम कोशिश करेंगे दिखाने का अगर चालू हुआ तो, क्योंकि अभी इस काम चल रहा है इन सभी जगहों पे, बीच में चालू हुआ था कई बार तो अभी तो नहीं चल रहा है, जैसे ही चालू होगा तो हम कोशिश करेंगे दिखाने की। बाकी अभी हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि जो फुहारे लगाए गए हैं वो आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना भव्य लग रहा है ये देखिए। और इसके अलावा जब लाइट शाम के समय जलती है इसके साथ जो इसके साथ साउंड सिस्टम भी है जो कि स्टेप बाय स्टेप गाने के संग जो बजता है बहुत ही सुंदर बहुत ही भव्य दिखाई देता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो बीच वाला है उस सूर्य भगवान के जो मुकुट के आकार का है वो बनाया गया है। उनके अगल बगल भी जो है कुछ सूर्य भगवान के स्टाइल में सब कुछ इस जगह को इस फव्वारे को बनाया गया है ताकि जब ये चीज़ जले तो एकदम सूर्य कुंड के अगर आप मंदिर के अंदर हैं तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए कितना भव्य और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अगर आप अयोध्या आएँ तो ज़रूर इस जगह पे आइएगा और इस जगह का काम भी लगभग पूरा हो गया है, आप ज़रूर आइएगा। ये देखिए अब देखिए इसके अगल बगल वाला भी शुरू हो गया है जो चार औरतें। यहाँ पे देखो दोस्तों अगर आप देख पाएँ यहाँ पे अभी लाइट की वायरिंग हो रही है देख सकते हैं। और यह है देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और अच्छा नए स्टाइल में ये गेट बनाया गया है। ये देखिए और जो मुख्य द्वार है वो है जो कि मेन रोड से ही है। और उसके जहाँ उसके अलावा यहाँ पे अभी निर्माणाधीन है कुछ स्थान वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी कुछ चीज़ें निर्माणाधीन है और यहाँ पे कुछ बन रहा है कुछ निर्माण कार्य है। यहाँ से सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है और ये पूरा देख सकते हैं ये पूरी बाउंड्री है। यहाँ पे श्रद्धालुओं को पूजा पाठ को हर कुछ को हर सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। सामने आप देख सकते हैं मंदिर है सूर्यकुंड का और सूर्य भगवान का। श्रद्धालुओं को ना तो कोई पूजा पाठ की समस्या होगी ना ही बैठने यहाँ पे कोई समस्या होने वाली है। और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों को पूरा ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे इस मंदिर का मतलब योगदा हो जाने के बाद यहाँ पे दर्शन पूजन का भी मतलब वो कार्य भी शुरू हो जाएगा। अभी दर्शन हो रहा है पूजा पाठ अभी नहीं हो पा रहा है उस तरीके से क्योंकि अभी निर्माणाधीन है। लगभग लगभग इस स्थान का 90% काम पूरा हो गया है। ये देखिए
श्रद्धालु सूर्यकुंड जाएंगे तो इस जगह को देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। और सूर्यकुंड में बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइट एंड साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे लगभग जो कार्य है सौंदर्यीकरण का वो 90% तक पूरा हो गया। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक बॉक्स है, पर ये देख सकिए लाइट लगी हुई है, चारों तरफ फोकस कर सकता है। आइए उस साइड चलते हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय रुक सकें, और इसलिए सरकार की मंशा है कि अयोध्या में जितने पौराणिक स्थल हैं उन सभी स्थलों को बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया संवारा जाए ताकि यात्री आए तो लोग एक दिन नहीं दो चार दिन अयोध्या में ठहरें और रुकें और यहाँ पे जो है अपना समय व्यतीत करें। सामने सूर्य मंदिर है जो कि अभी कपाट बंद है, और ये मुख्य मंदिर है और सामने मुख्य सूर्यकुंड। ये देखिए यहाँ से आपको दिखाते हैं पूरा कुंड, आप देख पाएंगे तो पूरा उस गेट से लेके इस गेट तक है, चारों तरफ गेट बने हुए चारों दिशाओं में। और मुख्य गेट जो है अभी हमने यहाँ से एंट्री की तो वो मुख्य गेट है, और वो पूर्वी गेट से दक्षिण गेट इधर है। यहाँ पर प्रसाद वगैरह आप देख पाए, सामने शनि मंदिर है, जय शनि भगवान। एक रास्ता इधर से बनाया गया है जो कि ये देख सकते हैं पत्थर लगाया जा रहा है। और लाल बलुआ पत्थर पूरा बिछाया जा रहा है इस मार्ग पे, पूरे इस कुंड को बहुत ही भव्य बहुत ही सुंदर कह सकते हैं बनाया जा रहा है। ये बाउंड्री है मंदिर की, और यह है गेट, एक गेट यहाँ का भी निर्माण हो रहा है जो कि देख सकते हैं पत्थर काट के लगाया जा रहा है। आइए उस साइड ले चलते हैं, और सामने आप शनि मंदिर देख लीजिए, उसके बगल से मंदिर है। और ये है मंदिर के जो बाउंड्री है मंदिर की वो है। मान्यताओं के अनुसार जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था तो भगवान सूर्य ने यहीं पर आसन ग्रहण किया था और उनका राज्याभिषेक देखने के लिए अयोध्या को आए थे। आखिरी बार इस मंदिर का जोड़दार राजा दर्शन सिंह ने किया था, जिनके नाम से ये पूरा क्षेत्र का नाम है दर्शन नगर। सामने से मंदिर है, यहाँ पर दो नंदी है प्रभु के दर्शन के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर का जो नज़ारा है बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। और श्रद्धालुओं के सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, हरियाली की देख के पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे देख सकते हैं हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं पहले से ही, और तो कुछ अब लगाए भी जा रहे हैं। और बाउंड्री के चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, अगर आप देख पाएँ ये बाउंड्री है। सामने आप देख सकते हैं दर्शन नगर रेलवे स्टेशन है, ये भी बहुत ही सुंदर बहुत ही भव्य बनाया गया है, और इसका भी जोड़धार हो गया है दर्शन नगर रेलवे स्टेशन का। अगर आप देख पाएँ तो ये सामने दर्शन नगर रेलवे स्टेशन है, और दर्शन नगर से अयोध्या से लेके अकबरपुर तक का जो दोहरीकरण का कार्य है वो हो गया है।
ये देखिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करिएगा। और बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर सूर्यकुंड बनाया गया है जो कि अयोध्या हनुमानगढ़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप अयोध्या आए तो इस जगह को ज़रूर देखिएगा। सच में हम बता रहे, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको यहाँ पे आने पे। अगर आप देख पाए, इधर मंदिर है, इधर कुंड है। और शाम के समय कोशिश करिएगा, ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे जो लेजर शो का आयोजन है वो भी होता है और प्रभु श्री राम की धुन यहाँ पे आपको सुनने को मिलेंगी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको दिखा दें, काफ़ी चीज़ें अभी यहाँ पे भी निर्माण हो रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, इधर पे भी अभी इस जगह का भी अभी रंगाई का काम बाकी है। अभी पूरा रंगाई का काम हो रहा है इधर साइड, और इसका जो पानी के तल का क्षेत्र है उसके रंगाई का कार्य हो रहा है। उधर भी रंगाई हो रहा है अभी अभी, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इसका जो है उद्घाटन भी हो सकता है जल्द ही, क्योंकि 90 से 95% काम पूरा हो गया है और सिर्फ मंदिर का जो है कुछ काम बाकी है, उसके बाद रंगाई का काम बाकी, बाकी सब कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सियाराम जी की।